कुछ दिन पहले आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा जहां मैंने अपने AirPods Pro Generation 2 से उठा के फेंके थे। इतना तंग आ गया था, मैंने अपने दोस्त को बोला यार कितने ग्लिची हैं, इतने महंगे होने के बावजूद भी इट्स नॉट द परफेक्ट प्रोडक्ट, इसका क्या करूं। उसने बोला वो ले और पैसा तेरा बाप देगा। फिर आया ऑनलाइन सेल और उसमें मुझे मिला ये, दिस इज दी AirPods जेनरेशन 2। मेरे हिसाब से कोई भी ऑनलाइन सेल आए तो इसके जैसा प्रोडक्ट ही नहीं है। कोई बिग बिलियन टाइप 15th अगस्त की कोई सेल आ जाए तो ये आपको मिल सकते हैं 6864 रुपीज के, एंड आई थिंक दे आर टोटली वर्थ इट। सेल में इसका जो भाव होता है वो होता है 8999 रुपीज, फिर उसमें कोई कार्ड का ऑफर लग के 8099 हो जाती है आपकी कॉस्ट, फिर अगर आप GST क्लेम करेंगे जो मैं हमेशा बोलता हूँ तो कॉस्ट हो जाती है 6864। अब जहाँ कंपटीशन 10,000 की TWS बेच रहा है, जैसे दी वन प्लस बड्स प्रो 2, जैसे कोई हमने जावरा के टेस्ट किए हुए एलीट 5, नथिंग ईयर 2s, तो उन सबसे ये अच्छा है कई सारे डिपार्टमेंट्स में। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेट मी फर्स्ट टेल यू कौन सी चीज़ है दैट दिस AirPods 2 डज नाइसली। पहली चीज़, ये AirPods Pro सेकेंड जनरेशन से मुझे लाउडर लगते हैं। यस, उनमें तो ईयर टिप्स वगैरह सब आते हैं, इनमें वो नहीं है, फिर भी मुझे लाउडर लगते हैं। सेकंड, ये क्रिस्टल क्लियर फोन कॉल्स लेते हैं, एप्पल वैसे भी उसमें बहुत माहिर है। तीसरी चीज़, ये लाइट वेट हैं, इजी टू पेयर है, अगर आपके पास एप्पल का एक भी प्रोडक्ट है तो फट फट फट। बहुत सारे जो महंगे वाले AirPods हैं जिनमें वो स्विच वाले फीचर्स आते हैं कि आप एक मैकबुक पे सुन रहे हैं, फिर एप्पल के आपके फ़ोन पे कॉल आया, आपने उस पे देखा वो वाला उठ गया, वो ऑटो स्विच फीचर्स वगैरह इसमें हैं। कुछ अननेसेसरी फीचर्स हैं जो इसमें नहीं है, अभी ANC इसमें नहीं है। होता क्या है, ANC बहुत बैटरी खाता है, एक्टिव नॉइस कैंसलिंग, प्लस अगर आप फुल वॉल्यूम वगैरह पे सुनते हैं जैसे मैं सुनता हूँ, ANC इतना काम नहीं आता। माई प्रॉब्लम विद ANC इज आई डोंट वांट अ सक्शन साउंड इन माई ईयर। दूसरे फीचर्स आते हैं जैसे स्पेशल ऑडियो वगैरह, जैसे मैंने वन प्लस बड्स प्रो 2 वो टेस्ट किए थे तो उनमें मैं स्पेशल ऑडियो यूज़ कर रहा था, जहाँ आप हेड जैसे जैसे टर्न करते हो वैसे वैसे ऑडियो जो एडजस्ट होता है, वो मुझे एप्पल के AirPods Pro जनरेशन 2 में भी पसंद नहीं आए थे, वन प्लस के बर्ड्स में भी पसंद नहीं आए थे। ये एक नया फीचर है, थोड़ा गिमी की, ये सब फीचर्स बैटरी बहुत खाते हैं और फिर भी उतना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देते हैं, प्लस आप इनके लिए बहुत प्रीमियम पे करते हैं जिसमें करना ही नहीं पड़ता। लेसर फीचर्स, लेसर प्रॉब्लम्स, लेसर ग्लिचेस, ये मेरा इशू आ रहा था AirPods Pro 2 के साथ, जहां मतलब बहुत सारे फीचर्स ठीक से नहीं चल रहे थे, ग्लिच कर रहे थे वगैरह वगैरह, मुझे साउंड लाउड इनफ नहीं लग रही थी। तब वो आपको हर्ट करता ना, जब आप एनीवेयर बिटवीन 12,000 एंड 25,000 ऐसे प्रोडक्ट को देते हो तो आपको हर्ट करता है। बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज ओनली 6864 रुपीज फॉर मी इफेक्टिवली, तो अगर इसकी कोई कमियां भी होती ना तो वो आपको उतनी दुखती नहीं है। नाउ टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द AirPods 2, इनकी फिट डिसेंट है। मैं लोगों को जानता हूँ जो आज भी इन्हें पहन के दौड़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, कान में से नहीं गिरते हैं ये, बट क्योंकि इनमें ईयर ट्रिप्स नहीं है बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है उस पर, बट हाँ मैं पहन के चल रहा हूँ, छोटा मोटा वर्कआउट कर रहा हूँ तो ये चल जाएंगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। द सेकेंड एंड द बिगेस्ट इशू विद दिस वन इज हॉरिबल बैटरी। उस दिन मैंने ये नए लिए, इनको कम्प्लीटली चार्ज किया, बड्स चार्ज थे, लिड चार्ज था, मैंने एक डेढ़ घंटे का कॉल किया था अपने एक फ्रेंड के साथ क्योंकि मुझे एक बात डिस्कस करनी थी। उसके बाद जब मैंने इन्हें वापस जो है दोनों को डाला इसके केस के अंदर तो दोनों ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुके थे, सिर्फ डेढ़ घंटे के कॉल में दोनों चार्ज हो गए। लेकिन जब मैंने लिड को खोला वापस इन्हें यूज़ करने के लिए, सिर्फ 100% चार्ज हुआ था, दूसरा जो है बिल्कुल चार्ज नहीं हुआ था, तो राइट चार्ज हुआ था, लेफ्ट चार्ज नहीं हुआ था, और इस लिड की जो है बैटरी ख़त्म हो गई थी, सो इट कुड नॉट इवन सपोर्ट वन फुल रिचार्ज। अब इस चीज़ के लिए सब लोग बोलते हैं कि इन्हें जो है फैक्ट्री रीसेट करो, अनपेयर करो अपने आईफोन से और वापस पेयर कर लो तो हो जाता है। मैंने वो किया है, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, बट फिर भी ये बैटरी बहुत ड्रेन करते हैं। क्यों? जब आप इन पे कॉल्स लेते हैं इसके माइक्स इतने पावरफुल है, वो बहुत बैटरी खींचते हैं। अगर आप इसे सिर्फ मीडिया के लिए यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा चल जाएंगे, बट हाँ द गुड थिंग इज़ दे डिस्चार्ज वेरी फास्ट बट दे चार्ज वेरी फास्ट ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है अगर इस एक चीज़ के अराउंड आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे TWS हैं जो आज भी इनकी तरह कॉल्स नहीं लेते हैं, इनकी तरह फास्ट पेयरिंग नहीं है उनमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6864 रुपीज़ में इस इज स्टिल अ बार्गेन। आई नो इट्स एन ओल्ड प्रोडक्ट, प्रॉब्ली ये बंद हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन वही फ़ायदा है, हमें बहुत कम रेट पे मिल रहा है। और अभी जो 5,000-6,000 में भी आने वाले कई सारे TWS हैं वो इनके कई चीज़ों को मैच नहीं कर सकते। इट्स अ सिंपल प्रोडक्ट, आई टोटली रिकमेंड बाइंग इट, आई बॉट इट फॉर रियली चीप, आई थिंक यू शुड बाय टू। इफ़ यू टेक वेरी वेरी लॉन्ग फोन कॉल्स प्रॉबेबली किसी और की तरफ देख लो, लेकिन अगर आप इंडोर कॉल्स ले रहे हैं, छोटे मोटे कॉल्स ले रहे हैं, थोड़ा बहुत मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इनकी बैटरी चल जाएगी। गो बाय देम। एप्पल ने मुझे बोलने के पैसे नहीं दिए क्योंकि एप्पल किसी को ये कुछ भी बोलने के पैसे नहीं देता है, लेकिन आई विल टेल यू
प्रोडक्ट अच्छा है, पैसा तेरा बाप देगा, चैनल का नाम, मेरा नाम ऋषि कपूर। मैं देख रहा हूँ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर दिल दुख रहा है मेरा।